ऊपर उतार दिया। हम भी उसके अंश हैं, हम भी परमात्मा के अंश हैं, हमारा भी कभी ना कभी उद्धार होना है, हमें भी कभी ना कभी परमात्मा ऐसे पकड़ लेगा, हम आत्माओं को भी वो महान आत्मा बना देगा, हम आत्माओं को आत्मा से परमात्मा, हम आत्माएं भी उसको अपने आप पा लेंगे एक दिन। नंबर सबका आना है, कोई आ जाए किसी का कल आए, हम सब परमात्मा के प्यारे, ईश्वर के प्यारे। इसलिए इतनी योनियों के बाद जब वो हमें ये योनी देता है तब भी वो कहता है कि तू बार बार तो जन्म लेता ही है और बार बार जन्म लेगा। अर्जुन को भी समझाते हैं फिर भी तेरी प्राप्ति कभी ना कभी हो जाएगी। कितनी बार कह रहा है, कितनी बार, अनेकों बार अर्जुन तू इसका दादा बन गया, अनेकों बार ये तेरा दादा बन गया। लेकिन फिर देखो अनेकों बार बनने के बाद क्या हुआ, अर्जुन के साथ भगवान है कि अर्जुन पुरुषों में श्रेष्ठ नर की उपाधि पाता है भगवान से। भगवान उसको धनंजय बोलते हैं, भगवान कहते हैं कि तूने निद्रा को जीता हुआ है, अर्जुन सोता ही नहीं है 2400 घंटे, ठीक है ना, कैसी कैसी अर्जुन के पास संज्ञा है। और आखिरकार श्रेष्ठ होता हुआ अर्जुन, प्रत्येक आत्मा अर्जुन जैसी श्रेष्ठ होगी और उस परमात्मा में मिल जाएगी। ऐसा नहीं लगता भैया जी कि ये जो बाबा हैं भारत में भावनाओं से खेल रहे हैं लोगों की, और इन भावनाओं से खेलने के कारण कहीं ना कहीं ऐसे आध्यात्मिक गुरुओं और बाबाओं के ऊपर से देश की जनता का ईमान उठ जाएगा? ऐसा हो भी रहा है ना, देश की जनता का ईमान उठ भी रहा है। कुछ मेहनत करते हैं उस मेहनत का फल मिलता है, आगे मेहनत करनी बंद कर देते हैं। ये बंद नहीं करनी होती भाई, 20 साल हो गए मेरे को नाम लेते हुए, बंद किया पहले दिन से, आज तक नहीं बंद किया। नहीं बंद किया तो जितना कमाते जाएंगे उतना वो देता जाएगा, जितना करते जाएंगे अग्नि के सामने बैठ के। किसने आज मुझे यह करते हुए देखा है बताइए, बताइए आप किस टाइम यहाँ पे आए थे 2 बजे से, क्या मुझे लगातार यहाँ बैठे हुए नहीं देख रहे हैं? तो जो 9 बजे आया था उसने भी मुझे यहाँ लगातार बैठे हुए देखा, और जो 2 बजे आया था उसने भी यहाँ लगातार बैठे हुए देखा। मैं इस सीट से, इस गद्दी से केवल 1-1.5 मिनट के लिए उठ के बाथरूम गया हूँ, आप देख लीजिए किस टाइम बैठा था 11 बजे 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने घंटे हो गए, 7, 7.5 घंटे होने जा रहे हैं, और रात के 11 बजे तक मुझे यहाँ बैठना है। तो जब हम सामान्य इंसान हैं, हम मेहनत कर सकते हैं, हमें मेहनत करनी चाहिए। परमात्मा बनने का कोई लाभ है नहीं, क्योंकि हम हैं तो है नहीं कहीं भी, और मर के हमें काल के ही दूत लेने आएंगे, और हम किसी के अंदर भूत बन के घूमते रहेंगे। अब हमें शर्म हो रहेगी, हम इस नाम के भूत हैं। पिछली बार जब हमने आपसे बात की भैया जी तो आपने बताया था कि परमात्मा के चश्मा नहीं चढ़ा होता है, तो क्या कारण है जो चश्मा नहीं चढ़ा होता है परमात्मा के? जो सारी दुनिया को दृष्टि देता है क्या वो अंधा होके पैदा होगा? नहीं। फिर इसने समस्त संसार को, समस्त विश्व को, जगत को रोशनी दी है, और वो अगर अंधा होके पैदा होगा तो कोई विशिष्ट ज्ञान देने ही आएगा, ठीक है कि नहीं? उसकी तो आंखें कमजोर नहीं होती, वो तो हमेशा बलिष्ठ रहता है। उस तत्व में भी अशुद्धि कहाँ होगी, उसके शरीर में भी ऐसा बल कहाँ, ऐसा बल क्यों नहीं होगा जो संसार को सबक दे सके, सीख दे सके। भगवान राम सहजता से रहते थे, मर्यादित थे, तब भी उन्होंने भगवान की मर्यादा भी रखी और आम इंसान की भी मर्यादा रखी। आम इंसान का मतलब एक धोबी पे कहने पे माता सीता को वन में भेज देते हैं, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि वो मर्यादित है। और उनकी मर्यादा को जानने के लिए महर्षि वाल्मीकि को भगवान क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने वहीं बैठ के कि ऐसा कौन मर्यादित पुरुष होगा जिससे संसार में किसी को, किसी के जीवन में कोई बाधा नहीं आएगी, तो धोबी के जीवन में बाधा ना आ जाए, धोबी इस बात को ज्यादा देर ना सोच ले और उसके मन में कहीं संकोच ना आ जाए, इसलिए माता सीता को वन में भेज देते हैं। धोबी की बात भी रखने के लिए मर्यादित है। देखिए कितनी बड़ी बात है, भगवान के ऐसे अवतार होते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी मिट्टी का ढेर हो गए, कहाँ पे बैठ के, एक वृक्ष के नीचे बैठ के ये सोचते हैं, 12 वर्ष तक तप करते हैं, ऐसा कौन मर्यादित पुरुष होगा या कौन मर्यादित भगवान का अवतार होगा जो इस सृष्टि का नियामक होगा, नियंता होगा और इस सृष्टि पे पूजन योग्य होगा। तो फिर भगवान राम को पाते हैं और फिर वाल्मीकि रामायण लिखते हैं, जबकि थे क्या, तो और थे क्या, चले कहाँ से थे? लेकिन ये कबीर जी को ऐसा प्रस्तुत करते हैं जैसे कबीर जी अवतरित हुए थे और वो बचपन से जो है वो विलग थे संसार से। ऐसा नहीं था भाई, बचपन से विलग थे तो बचपन में ही आ जाती वो कविताएं, तो वो तो सब कुछ बचपन में ही आ जाता। अभी एक बच्चे की दृष्टि खुली और उसने बताया मैं फला उसमें यूनिवर्सिटी में अध्यापक था, उसने आके सारा करिश्मा कर दिया, बता दिया कि मैं यहाँ अध्यापक था, ये मेरा नाम था, और वो जाना गया कि ये था नेपाल से आया था या वो भूटान से आया था, और राजघराने का बच्चा था, और उसने जो हमारे यहाँ पे पहला केंद्र था विद्या का, वहां पर आकर तक्षशिला, मेरे ख्याल से हाँ जी तक्षशिला, हाँ, वहां पर आकर सब कुछ बता दिया।
तो ऐसे, लेकिन जब आप बिना बात की मिथ्या बातों को जो है ना घोलेंगे, मिथ्या बातों को बढ़ाएंगे और मिथ्या वर्णन करेंगे, तो ऐसा नहीं है। समाज तो पागल है, बहुत सारी महिलाएं ऐसी है बिचारी कहीं भी बैठ जाती है। अब गुरु ने कह दिया तो सार शब्द तेरे कान में बता दिया, जा तू सतलोक की वासी है। गुरु कहीं नहीं पहुंचा, यहीं के यहीं धक्के खा रहा है, ठीक है ना। उल्टा जहां पे बैठना चाहिए वहां पे भी नहीं बैठा हुआ, जेल के अंदर बैठा हुआ है। तो उसको सतलोक कैसे पहुंचाएगा, तू जेल लोक में है, उसको सतलोक में। कमाल की बात है भाई। अरे तुम ध्यान नहीं करते, 2 घंटे पूजन नहीं करते, भजन नहीं करते, कहीं बैठते नहीं, केवल बकवादों में समय बिताते हो और ये ढूंढते हो कि हमारे शास्त्रों में क्या कमियां हैं। शास्त्रों में कमियां ढूंढी जाती है। वो भगवान का नाम है, उसको कोई कहीं भी लेगा, चाहे कबीर लेगा चाहे कोई लेगा, उस भगवान के नाम लेने में और नाम का वर्णन करने में हमेशा कमी आएगी आएगी। तो फिर नेति नेति कहते हैं। इसलिए क्या कबीर पूर्ण निराकार का वर्णन कर पाया, पूर्ण निर्गुण का वर्णन कर पाया, तो फिर परमात्मा की संज्ञा क्या हुई। और अगर परमात्मा पृथ्वी पर चश्मे लगा के पैदा हो गए तो मैं तो ये कहता हूँ चांद को बिल्कुल समीप ले आए। बतेरे दिन सूरज की गर्मी खाली खाली की नहीं खाली, ऐसे ऐसे देश है सूरज की गर्मी से तप रहे हैं। चंदा को थोड़ा समीप ले आओगे, ठंड आएगी, शीतलता आएगी, आनंद आएगा, वृक्ष घने होंगे, जंगली जंगल हो जाएंगे, फिर से वातावरण में शुद्धि छा जाएगी, कमाल, और बारिश भी आएगी, है ना। इंद्र देवता भी प्रसन्न होंगे और इंद्र देवता को भी ले आए, है कि नहीं। कह के बारिश करे रोजाना कि भाई लो मैंने सतलोक की बारिश को यहाँ कर दिया है, सतलोक में ये आनंद है, ये आनंद है। आपने पढ़ लिया कबीरदास जी का वर्णन, वो नीचे बैठ के ऊपर जाया करते थे, आप जाके दिखाओ ना। आपकी अभी हिम्मत नहीं, आपकी औकात नहीं, आपने एक देवता उसको पकड़ लिया, संत को पकड़ लिया, आप उसके नाम के सहारे तरना चाहते हो, अपनी पूजा कराना चाहते हो, बोला मेरे को पूजना, आपको नाम ऑनलाइन दिया जाएगा। ये क्या बात है भाई, इलेक्ट्रॉनिक नाम दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स उसके जरिए, औजारों के जरिए, फोन के जरिए, इसके जरिए, और क्या बोलते हैं उसको, स्क्रीन के जरिए नाम दिया जाएगा आप सतलोक। अरे नाम क्या देना भाई तूने, है? अरे वेद का मंत्र है, तू क्या देगा, हम अपने आप ले लेंगे, हम वेद पढ़ना नहीं जानते, तेरे अनपढ़ से तो हम बेहतर है, तुझे तो इतना ज्ञान भी नहीं है, हम बेहतर है भाई, हमने पढ़ाई की है ना, हम जानते हैं कबीर को, जब तू पैदा हुआ था, जब तूने कबीर के बारे में पढ़ा भी नहीं था, जब तू नौकरी कर रहा था तब 1000-2000 याद थे, आज फिर याद करके दिखा देता हूँ, है कि नहीं। रोशनी देव महाराज की जय, परम पूज्य मनु भैया जी की जय।